इसे लाने का कारण ये था कि विक्रांत जो 150 सीसी की थी उसका ये एक रिप्लेसमेंट है। जैसे कि आप अगर 150 सीसी नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये 125 सीसी में भी आ चुकी है। 125 सीसी में इन्होंने चेंजेस यही किए हैं कि आप देख सकते हैं ये डिस्क ब्रेक नहीं है आगे और एलॉय व्हील में थोड़ा सा चेंजेस है। दूसरा, अगर आप इसके लुक्स में देखेंगे तो यहाँ पर जो V12 लिखा हुआ है इससे आपको पता चलेगा कि ये V12 है। और मीटर में अगर बात करें तो इसमें बाकी सब तो सेम दे रखा है, बस फ्यूल इंडिकेशन V15 में अलग है और V12 में अलग है। दोस्तों, अगर इसकी पावर की बात की जाए तो आप तो इसमें दोस्तों आपको मिल जाएगी 10.5 की BHP पावर और साथ ही इसका न्यूट्रल मीटर और टॉप भी बेहतरीन मिलता है आपको। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो ड्रम होने के बावजूद भी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम दे देती है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, एक बार भैया चलाएंगे और आप, तो दोस्तों इसमें आपको कंट्रोल भी अच्छा मिल जाएगा और कंफर्टेबल टर्निंग के मामले में भी मिल जाएगी। साथ ही इसकी ब्रेकिंग सिस्टम अब आपको पता चल जाएगी। तो ब्रेकिंग सिस्टम अगर कहा जाए तो डिस्क ब्रेक अच्छा ही देगा, लेकिन 125 सीसी में अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। दूसरा, ये BS4 मॉडल होने की वजह से इसकी हेडलाइट ऑन रहेगी और वजन की बात की जाए तो 133 किलो मिलेगा। तो दोस्तों, अगर मैं इसे V15 से कंपेयर करूँ तो मुझे ज़्यादा V12 ज़्यादा अच्छी लगी है कंपेयरली V15 से, क्योंकि इसमें दो बड़ी खासियतें, एक है क्योंकि ये V15 से थोड़ी हल्की है, दूसरा इसका पिकअप बहुत ही अच्छा है, इसमें व्हीली करना ज़्यादा आसान है कंपेयरली V15 से। और ब्रेकिंग सिस्टम देखा जाए तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कोई बाइक लेना ही चाहते हो तो मेरे हिसाब से V15 के छोड़कर आप ये लो, ये ज़्यादा बेहतरीन है। कम्फर्ट लुक सेम है, चेन से इंजन का है और पावर देखोगे आप इसकी, मुझे पावर बहुत अच्छी लगी है, कोई दिक्कत नहीं है पावर में, व्हीली करना बहुत इजी लगा मुझे इसमें। बाकी बाइक्स के अलावा पल्सर तो बहुत मुश्किल से होती है, मतलब इजीली आप करना चाहो तो उस वे में, बाकी पल्सर ऐसे स्पोर्ट्स बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक में उसका मुकाबला ये कोई नहीं कर सकती है, किसी से भी नहीं करते। और दोस्तों, आपके लिए हम करेंगे इसकी, जैसे कि नरेंद्र ने कहा पावर अच्छी देती है, तो एक कंपेयर करते हैं 150 सीसी के साथ, एक ड्रैग रेस लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हो पाता है इसमें। होगा कि ड्राइवर बैन रहता है, दोनों गाड़ियों में पावर सेम ही है, ये ऐसा नहीं बोल सकते पावर सेम नहीं है, पल्सर इज द बेस्ट है, ड्रैग रेस में पल्सर को कोई नहीं हरा सकता। बट क्या हुआ था कि मैंने जो थोड़ा सा उठाया था उस टाइम पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उस चक्कर में पावर नहीं आ पाई, बाकी